लखनऊ रेलवे स्टेशन लखनऊ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। चारबाग में स्थित होने के कारण इसे चारबाग रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन पर यात्रियों की हर आवश्यकता का ख्याल रखा गया है और कोशिश की गई है कि उनका यहाँ आगमन एक सुखद याद के रूप में उनके साथ रहे। यात्रियों के स्वागत एवं हर प्रकार की जानकारी के लिए सर्वप्रथम है पूछताछ कक्ष। यहाँ से ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी दी जाती है एवं विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेनों का समय सारणी और किराया सूची का भी प्रदर्शन किया गया है। यहाँ हमेशा यात्रियों की सेवा में तत्पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उन्हें यात्रा संबंधी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। टिकट काउंटर कक्ष पर आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट तथा ऑनलाइन टिकट काउंटर द्वारा ट्रेनों की तत्काल टिकट बुक करने जैसी बहुत सारी सुविधाएँ एक साथ उपलब्ध हैं। इस स्टेशन पर ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 1 से प्लेटफॉर्म 9 तक का निर्माण किया गया है, जहां से ट्रेनें विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान करती हैं। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए ब्रिज एवं भूमिगत रास्तों जैसी सुविधा उपलब्ध है। चारबाग रेलवे स्टेशन सन 1914 में बनकर तैयार हुआ। इसमें राजस्थानी भवन निर्माण शैली की एक झलक देखी जा सकती है। इस स्टेशन में 9 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन में 300 से अधिक ट्रेनें रोज यहां से गुजरती हैं, जिनमें रोजाना लगभग 4 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। चारबाग स्टेशन को बनने में उस वक्त 70 लाख रुपए खर्च हुए थे। राजपूत शैली में बने इस भवन में निर्माण करा के 2 कौशल दिखाई देते हैं। पहला, ऊपर से देखने पर इस इमारत के छोटे छोटे छतरीनुमा गुम्बद मिलकर शतरंज की बिछी विरास का नमूना पेश करते हैं। अपनी खूबियों की वजह से चारबाग स्टेशन भारत के खास स्टेशनों में आता है। यहाँ ट्रेन की आवाज़ का बाहर ना आना, चाहे जितने शोर शराबे के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आए, उसकी आवाज़ स्टेशन के बाहर नहीं आती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बापू की पहली मुलाकात लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बापू के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ आए थे। इस मुलाकात का जिक्र नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में भी किया था। जिस जगह पर गांधी नेहरू की मुलाकात हुई थी, वहां आज का रेलवे स्टेशन की पार्किंग है। लखनऊ स्टेशन में अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी, ऑटो, बस, ओला, उबर जैसी सुविधाएं थी, लेकिन अब स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए मेट्रो से जोड़ा गया है। यात्री चारबाग से अमौसी एयरपोर्ट तथा चारबाग से म्यूनसिपलियत तक का सफ़र मेट्रो से कर सकेंगे। प्रताप गढ़ लाइव की वीडियोस को अपने YouTube के होम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे को ज़रूर दबाएं।